लामू पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर नवाजेपुर थाना क्षेत्र के कसवाड़ा खाड़ ग्राम निवासी सूर्यदेव मिस्त्री के घर में छापेमारी कर हथियार और हथियार बनाने वाले औजार जब्त किया है। सूर्यदेव मिस्त्री के घर से ही हथियार बनाने और बेचने का काम किया जाता था। पुलिस ने आरोपी सूर्यदेव मिस्त्री समेत हथियार खरीदने वाले दो आरोपी उमेश सिंह और विपिन बिहारी सिंह को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने एक दोनाली बंदूक, एक BDBL बंदूक, एक भरटुआ बंदूक, लकड़ी के बंदूक का बात, एक पीस ट्रिगर गार्ड, एक पीस, एक बाइक समेत हथियार बनाने वाले कई सामानों को किया है बरामद। आपको बता दें कि सूर्यदेव मिस्त्री को भी किया गया है बरामद। आपको बता दें कि सूर्यदेव मिस्त्री पूर्व में हथियार बनाने के आरोप में जेल जा चुका है। वहीं पुलिस ने सभी गिरफ्तार आरोपी को आर्म्स एक्ट के तहत जेल भेज दिया है। पुलिस अधीक्षक चंदन सिन्हा के निर्देश पर नवाजेपुर थाना प्रभारी संजय कुमार के निर्देश रजक ने पुलिस की टीम गठित कर कार्रवाई की है। पुलिस अधीक्षक चंदन सिन्हा ने प्रेस वार्ता कर पूरी मामले की दी जानकारी। आज जो है नवाजेपुर का कसवाटर गांव है, उसके आसपास के जो जंगली इलाके में घर था, जहां पर पुलिस को सूचना मिली कि वहां अवैध हथियार बनाए जा रहे हैं। पुलिस की छापेमारी में वहां अवैध हथियार बरामद हुए और अवैध हथियार के अलावा हथियार बनाने वाले जितने उपकरण हैं वो बरामद हुए और जो बना रहा था सब भी गिरफ्तार किया गया और दो जो उसके खरीदार और आपूर्तिकर्ता भी थे, तो कुल मिलाकर 3 गिरफ्तारी हुई है। ये लोग जो है, ये जो गिरफ्तार हुआ है, पूर्व में भी ऐसे कांड में बहुत आज से लगभग 25 साल पहले जेल जा चुका है और ये लोगों को ऑन डिमांड जिस तरह की क्वालिटी चाहिए होती थी उस तरीके का ऑर्डर पर ही बनाता था।